क्षत्रिय होते हैं वचन के पक्के, प्राण जाए पर वचन ना जाए। कुछ इसी अंदाज में इन दिनों सूबे के अशोक गहलोत सरकार की मंत्री ममता भूपेश, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर बरस रही है। ममता भूपेश ने कहा कि शेखावत क्यों अपना वादा नहीं निभा रहे, प्रदेश की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं, अपनी बात के मुताबिक उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा चुनावों में ERCP का वादा किया गया था, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोई वादा नहीं किया, लेकिन जब वीडियो सामने आया तो चुप्पी साध ली। तो गजेंद्र सिंह जी ने भरी मीटिंग में हमारे महेश जोशी को, जलदाय मंत्री जी को, ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या आप दे दीजिए, तो उन बातों का क्या हुआ? वो तो क्षत्रिय है, राजपूत है गजेंद्र सिंह शेखावत, और वीरों की धरती है राजस्थान, और उसमें यहाँ प्राण जाए पर वचन न जाए, ये राजस्थान की कहावत है बहुत बड़ी। और गजेंद्र सिंह जी जो खुद अपने वचनों से जा रहे हैं, तो मुझे तो ऐसे क्षत्रिय नेता पहली बार देखने को मिले जो कह के अपनी बात से मुकर रहे हैं। उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए इस पद से, और अपनी जो उन्होंने सार्वजनिक तौर पे ये बात बोली थी कि अगर ऐसा नहीं बोला तो मैं इस्तीफा दूंगा या आप दीजिए, तो उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान की जनता ने हमें कार्य करने का मौका मिला, कांग्रेस पे विश्वास किया, और आने वाले समय में भी राजस्थान की जनता कांग्रेस पे विश्वास करेगी।